हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम टेक स्मार्ट प्रिंट आइडियाज। फ्रेंड्स, आप लोगों का कई कमेंट्स आया था हमारे पास कि सर, अगर हम नया प्रिंट यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे कि अगर आप नया स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसलिए क्या क्या चाहिए, सामान क्या क्या चाहिए होता है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया अपना प्रेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी अपनी प्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नए हैं जिनको नहीं पता इसके प्रिंटिंग में सामान क्या क्या चाहिए होता है स्टार्टिंग में प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए, तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल नए हैं और जो नया अपना सेटअप लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं और बताते हैं आपको हम इसमें क्या क्या सामान चाहिए स्टार्टिंग में हमें स्टार्ट करने के लिए। जो कम से कम सामान चाहिए होगा वो मैं आप सबको बताऊँगा और वही दिखाऊँगा मैं, जिससे आप अपना एक यूनिट खोल सकें, अपना एक स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रिंटिंग प्रेस खोल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए होगा इसमें। तो सबसे पहले आपको एक टेबल चाहिए होगी। ये हमारी जो टेबल ये 3 फीट चौड़ी है और 4.5 फीट ये लंबी है, तो आप कम से कम 2 फीट की भी टेबल रख सकते हैं। आप यहाँ से 2 फीट की टेबल रख सकते हैं, चौड़ाई इसकी 2 फीट हो जाएगी, और प्लस आप 3+ रखना, जो भी 3 फीट कम से कम लंबाई होनी चाहिए टेबल की, तो 2x3 की टेबल कम से कम आपकी होनी चाहिए, एक टेबल हो जाएगा। और टेबल के ऊपर इस तरह से शीशा लगाने के लिए एक शीशा होना चाहिए। ये शीशा हमारा लगा हुआ देख रहे हैं आप, हमने शीशा लगा रखा है। इस तरह से आपको एक शीशा लगाना होगा जो कि टेबल के ऊपर प्लेन रहेगा, जब प्रिंटिंग करेंगे तो प्लेन होना चाहिए नीचे। और उसके बाद में फिर आपको जो स्क्रीन मशीन बनानी होती है उसके लिए आपको एक क्लैंप चाहिए होता है इस तरह का, देख रहे हैं क्लैंप लगा हुआ है, ये इस तरह का क्लैंप आता है, आप देखेंगे इस तरह क्लैंप आता है। ये हमने चेंज किया था क्लैंप इसलिए निकला हुआ। तो इसको आपको क्या करना है, टेबल के साइड में रख के इस तरह से और इसको लगा लेना है। इसमें होल दिए होते हैं, यहाँ से कील लगा देनी होती है टेबल पे लगा के, जो कि आप साइड में ऐसे सेट कर लेंगे इस तरह से, जैसे सेट किया हमने इस तरह से आपको कील लगा के इसको सेट कर लेना है। तो आपका ये बिल्कुल क्लैंप तैयार हो जाएगा, ये स्क्रीन की मशीन आपकी तैयार हो जाएगी प्रिंट करने के लिए। और उसके बाद में फिर इसमें और क्या चाहिए होगा आपको, अब आ जाता है इसमें स्टापर की बारी आती है। तो आपको इस तरह से स्टापर चाहिए होता है, ये अलग अलग साइज में आता है, और 2 इंची में है, 4 इंची में है, 3 इंची में है, 10 इंची में भी है हमारे पास। तो इस तरह से आप स्टापर जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये 2 इंची से स्टार्ट होकर ये 18, 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची, इतने बड़े बड़े स्टापर आते हैं सब। और उसके बाद में इस तरह से लकड़ी चाहिए होगा, लकड़ी का फ्रेम बना होता है, लकड़ी का फ्रेम होता है, ये फ्रेम चाहिए होगा आपको। और फिर फ्रेम बनाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए होता है, कपड़ा जो आता है ये 150 नंबर का कपड़ा आता है, यानी 150 नंबर का कपड़ा यूज करते हैं, वो बढ़िया होता है। और इसको शॉर्ट में 50 नंबर भी कहते हैं, जो कपड़ा लगा हुआ है इसको शॉर्ट में 50 नंबर भी कहते हैं। और इसके बाद में और भी कपड़े आते हैं, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी का प्रिंटिंग देता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में 120 नंबर भी आता है, 140 नंबर भी आता है, और फिर 30 नंबर का भी आता है, तो बहुत सारे नंबर के मेस आते हैं, लेकिन जो मेन मेस होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम यूज करते हैं 150 नंबर का यूज करते हैं, इसको शॉर्ट में 50 नंबर भी कहा जाता है। तो इससे आपको फ्रेम बना लेना है। फ्रेम बनाने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर फ्रेम बनाने का वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं फ्रेम कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद में फिर आपको चाहिए होता है कलर। कलर 3 तरह के आते हैं, एक ग्लॉस होता है, देखेंगे आप, एक ग्लॉस होता है, और फिर एक कलर आता है जो वेनिसिन होता है, एक कलर है वेनिसिन होता है, यहाँ पर वेनिसिन लिखा हुआ है, और एक कलर आता है मैट। इन कलर का यूज कहाँ पर क्या होता है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, आपको बता दूंगा, समझा दूँगा उसके लिए। ये PVC कलर होता है, तो ये 3 कलर आते हैं, और इसमें हर तरह के कलर अलग अलग आते हैं, जो भी आपको कलर यूज करना हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हैं, जैसे आपका काम हो। तो आप वैसे मैं कहूँगा आपको पहले स्टार्टिंग में आप वाइट, रेड और ब्लैक, ये 3 कलर ले लीजिए, बाकी आप कलर बाद में लेते रहेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कलर रखना आपके लिए ठीक नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर पूंजी इसमें ज़्यादा लग जाएगी। और उसके बाद में कलर में मिक्सिंग के लिए ये नाइट्रो आता है, ये आप देख रहे हैं नाइट्रो है, ये नाइट्रो आता है, ये नाइट्रो भी आपको ले लेना है, स्टार्टिंग में 1 लीटर ले लीजिए। और फिर MIL आता है और रेड्यूसर आता है, इस तरह का बोतल होता है, इसको आप लें या न लें तो तब भी चलेगा, लेकिन नाइट्रो बहुत ज़रूरी है।
इन केमिकल का यूज जो होता है तीनों का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। तो ये आपका हो गया, और उसके बाद में आपको एक डिवाइडर चाहिए होता है। ये डिवाइडर है, डिवाइडर से हम क्या करते हैं जब सेटिंग करते हैं कुछ तो उसको सीधा और टेढ़ा नापते हैं। यहाँ से टेढ़ा और सीधा नापने के लिए डिवाइडर होता है। और फिर एक कैंची भी चाहिए होता है जिससे कि हम पेपर वगैरह काटते हैं, या फिर बटर पेपर जो होता है, ये जैसे पोस्ट वगैरह हो गया, बटर हो गया, इसको हम काटते हैं। ये सेटिंग करने के टाइम में काम आता है, तो इस तरह से काटने में कैंची भी जरूरी होती है। और उसके बाद में आपको एक स्केल भी चाहिए होता है, जैसे कभी साइज लेना है और या फिर सेटिंग करना है, पेपर लगाना है, पेपर फाड़ना है, किसी पेपर का हमें साइज लेना है, जैसे कोई पेपर देखना है या हमारा पेपर कटा हुआ तो इसका साइज हमें लेना है, देखना है, तो स्केल यहाँ पर जरूरी होता है। और स्केल की यूज आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं हम कैसे यूज करते रहते हैं। और फिर इसके साथ साथ आपको कोटिंग भी चाहिए होता है। ये कोटिंग है, ये सुपर कोट है, ये आपको 250 ग्राम से लेकर 1 किलो तक में आता है। तो आप स्टार्टिंग में 250 ग्राम ही लीजिए, बेटर रहेगा। और उसके बाद में फिर आती है 5-स्टार फिल्म आती है। ये 5-स्टार की फिल्म जो हमने खोल रखा है यहाँ पर, ये 5-स्टार की फिल्म है। ये रोल आता है, ये रोल होगा, आप ले सकते हैं रोल, खरीद लीजिएगा और फिल्म खोलने के लिए। और कंप्यूटर में आपको इस तरह से डिजाइन बना लेनी है। आप इसके लिए जो डिजाइन बनाएंगे उसका बटर भी निकाल सकते हैं और पोस्टिप बनवा सकते हैं। तो हमारा ये पोस्टिप और ये बटर है, तो आप बटर पेपर भी निकाल सकते हैं लेजर प्रिंटर से डिजाइन बनने के बाद में। तो फ्रेंड्स ये लकड़ी आती है फ्रेम की, आप देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था फ्रेम बना हुआ हमारा, लेकिन अब ये लकड़ी है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह की लकड़ी आती है और ये अलग अलग साइज में आता है, तो आप जो भी है आपकी साइज जो जरूरत हो, ये 14-18, 16-18 और 16-22, 18-22 का फ्रेम का लकड़ी का साइज आता है, तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद ये फिल्म होती है जो मैं आपको दिखाया, फिल्म का रोल, ये फिल्म है, ये फिल्म का रोल होता है, ये भी चाहिए आपको स्टार्टिंग में। और उसके बाद में ये जो फ्रेम होता है इसमें कपड़ा लगाने के लिए ये होता है, ये कपड़ा है, ये देखेंगे आप, ये 150 नंबर कपड़ा होता है, इसको शॉर्ट में 50 नंबर भी कहते हैं और 150 नंबर भी कहते हैं, इसमें लगाया जाता है, तो ये फर्मा हमारा तैयार हो जाता है। और उसके बाद में ये देख रहे हैं आप, ये कोटिंग 1 किलो में भी आता है, आधा किलो में, और 250 ग्राम में भी आता है। तो मैंने आपको दिखा दिया पहले 250 ग्राम का, ये 1 किलो का है, इसमें 1 किलो कोटिंग होती है। इसके बाद में आपको फ्रेंड्स गत्ता लेना है, इस तरह से गत्ता रख लेना है, और इस तरह से रेक भी चाहिए होगी आपको। तो रेक का साइज जो होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। तो आपको इस तरह से रेक भी बनानी है गत्ता लगाने के लिए, जैसे देख रहे हैं हमने इस तरह से लगा रखा है, इस तरह से लगा रखा हमने, तो इस तरह से रेक भी आपको चाहिए होगी। और इस तरह से आपको रेक बनाकर कलर रख लेना है, ये आप सेटअप बना लेना है इस तरह से कलर रखने के लिए। ये रेक बनी हुई है, ये देख रहे हैं हमारा रेक बना हुआ कलर रखने के लिए। और आपने टेबल बनाना सीख ही लिया है, स्क्रीन कैसे लगाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये जो मशीन होती है हमारी कैसे बनाई जाती है मैंने आपको बता ही दिया है। टेबल की साइज में होना चाहिए और यहाँ पर शीशा लगा होना चाहिए, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। फ्रेंड्स आपको एक एक्सपोजर भी चाहिए जिसमें फिल्म खोली जाती है, ये एक्सपोजर है, तो ये भी अलग अलग साइज में आता है, आपका जिस टाइप का काम हो उस टाइप का आप एक्सपोजर ले सकते हैं। इस तरह से खुलता है और इसमें एक शीशा भी लगा होता है, ये आप देखेंगे यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, तो ये शीशा लगा होगा। और इसमें कुछ ये पेपर रखे होते हैं दाब के लिए, ये एक्सपोजर भी आपको ज़रूरी होता है। तो इसमें आप फिल्म खोलेंगे और उसके बाद में ये आपका टेबल हो जाएगा और ये फ्रेम हो जाएगा आपका, इस तरह से फिल्म खुल जाएगी और फिर इस तरह से इसमें लगा करके और फिर प्रिंटिंग के लिए रेडी कर लिया जाता है। तो इसमें प्रिंटिंग होती है, इस तरह से आपको प्रिंटिंग करनी है इसमें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे और समझ गए होंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग स्टार्टिंग में क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या क्या सामान चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है।
और इसके साथ साथ में फ्रेंड्स आपको दराज भी बना लेना है इसमें टेबल में, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप दराज बना लेंगे तो इस तरह से। और एक जगह पर सेपरेट आप स्टॉपर रखने का भी बना लीजिए इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है स्टॉपर रखने के लिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉपर हमने रखा हुआ है। और उसके बाद फिर आपका जो यूनिट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा चलने के लिए। तो फिल्म खोलना अगर आपको नहीं आता है, ये जो फिल्म खुली है हमारी, ये फिल्म जो खुली है, अगर फिल्म खोली नहीं आती तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वो देख लेना आप, उससे सीख लेंगे। और फर्मा बनाने की वीडियो भी अपलोड है, वो भी आप देख कर सीख जाएंगे। और फिर फ्रेम वॉश करने की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वो भी आप देख कर सीख जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।